आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा, 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। एक पेड़ मां के नाम पौधरोपण अभियान में 26 करोड़ 47 लाख पौधे रोपकर उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे। विश्व पर्यटन दिवस आज, झांसी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच आज, बारिश से पड़ सकता है व्यवधान। और बारिश ने बदला मौसम का मिजाज, उमस भरी गर्मी से मिली राहत, अगले 2 दिन तक बना रह सकता है बारिश का सिलसिला। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते में संशोधन कर न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। नई वेतन दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। संशोधन के बाद अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें 783 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए 868 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 954 रुपये प्रतिदिन होगा। अत्यधिक कुशल श्रमिकों के लिए संशोधित वेतन 1,035 रुपये प्रतिदिन होगा। जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस अभियान में सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसे 30 सितंबर से 5 दिन पहले ही हासिल कर लिया गया है। इस अभियान में उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहा है। 25 करोड़ 25 लाख पौधरोपण के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम अभियान में 26 करोड़ 47 लाख पौधे रोपे गए। प्रदेश की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये कीर्तिमान प्रधानमंत्री के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के प्रति देशवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। आज विश्व पर्यटन दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए झांसी में रहेंगे। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में प्रदेश के प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मिश्राम ने कहा कि सरकार प्रदेश में कृषि और ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन के विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। एग्री टूरिज्म के अंतर्गत गांव, जहां पर अच्छा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हो रही है, नए नए प्रयोग हो रहे हैं, लोग सीख सकें, जान सकें, वहां रुक सकें, वहां का एथनिक फूड, वहां का ऑर्गेनिक नेचुरल फूड खा सकें, बच्चों को लेकर के जाएं, परिवार के साथ में समय गुजारें। एक और है रूरल टूरिज्म। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जहाँ पे या तो कला के लिए जाने जाते हैं, शिल्प के लिए जाने जाते हैं, किसी इतिहास से जुड़े हुए हैं, पौराणिकता से जुड़े हुए हैं, किसी धरोहर से जुड़े हुए हैं, उन गाँव में भी गाँव का टूरिज्म कराया जाए। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आज तीसरा दिन है। 25 सितंबर से इस ट्रेड शो के शुभारंभ के साथ ही यहां लगे प्रदेश के ODOP और MSME उत्पादों के स्टॉल आगंतुकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कल इस आयोजन के दूसरे दिन 18,000 से अधिक खरीदारों और 40,000 से अधिक आगंतुकों ने हिस्सा लिया। दूसरे दिन प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान, सुनील कुमार शर्मा और कई वरिष्ठ अधिकारियों ने विभिन्न सत्रों में प्रतिभाग किया। ट्रेड शो का समापन 29 सितंबर को होगा। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाले नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2025 के लिए आवेदन की तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इस परीक्षा के माध्यम से सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश लिया जा सकेगा। इच्छुक छात्र और उसके अभिभावक नवोदय विद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय HBTU कानपुर का 6वां दीक्षांत समारोह आज विश्वविद्यालय के नए परिसर में आयोजित होगा। इसमें 899 छात्रों को उपाधि और 48 छात्रों को पदक मिलेंगे।
दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी। मुख्य अतिथि आईआईटी कानपुर के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल होंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। भारत और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के बीच दो मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच आज कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। चेन्नई में हुए पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश की टीम को 280 रनों से करारी शिकस्त देने वाली भारतीय टीम कानपुर टेस्ट मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की मंशा से मैदान में उतरेगी। मैच सुबह 9 बजे से शुरू होना है, लेकिन कल से हो रही बारिश से इसमें व्यवधान भी पड़ सकता है। पेश है हमारे कानपुर प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। पहले मैच में दमदार जीत के साथ आगाज करने वाली टीम इंडिया की नजर अब दूसरे टेस्ट पर है। कानपुर ग्रीन पार्क में 3 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जा रहा है। ग्राउंड स्टाफ ने एक बेहतरीन पिच तैयार की है। टेस्ट मैच के लिए ग्रीन पार्क के स्टेडियम पूरी तरह तैयार है। रिकॉर्ड 1,15,00,000 रुपए की टिकट बिक चुके हैं। स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री 8:15 बजे शुरू की जाएगी। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक कानपुर में हल्की से बारिश के आसार हैं। मानसून का असर और बारिश से मैच का रोमांच बिगड़ सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए कानपुर नगर से मैं राजेश श्रीवास्तव। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत 17 सितंबर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल से प्रदेश के सभी 762 नगरीय निकायों में 155 घंटे का नॉनस्टॉप मेगा स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर समाप्त होगा। अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को जोड़ते हुए जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से लंबी दौड़, मैराथन और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा जागरूकता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर ग्राम विकास आयुक्त ने सभी जिलाधिकारियों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को इस संबंध में पत्र जारी किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का महिलाओं को ऑनलाइन पाठ पढ़ाने में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। प्रदेश के IT और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने HCL की सहयोगी कंपनी गूवी के साथ मिलकर 24 घंटे में 46,000 से अधिक महिलाओं को AI का ज्ञान दिया। प्रमुख सचिव IT और इलेक्ट्रॉनिक्स अनिल सागर के अनुसार साउथ एशियन वुमेन इन टेक कार्यक्रम के तहत दक्षिण एशिया में 5,00,000 महिलाओं को AI में दक्ष किया जाना है। पिछले एक सप्ताह से पड़ रही उमस भरी गर्मी पर पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश ने विराम लगा दिया है। कल से ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहाना हो गया है। गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत और प्रदेश के कई अन्य जिलों में कल शाम से आज सुबह तक बारिश होने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इस बीच कल भदोही जिले के औराई थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जाता है कि दोनों महिलाएं खेत में घास काटने गई थीं। उधर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम में आए बदलाव के कारणों को लेकर लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया। जैसा कि मध्य प्रदेश पे एक घुमावदार हवाएं साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि प्रेशर का पार्ट है, तो जिसकी वजह से आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है। तो कल का जो है पूरे सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, स्पेशली जो तराई बेल्ट है नेपाल से सटे हुए जिले में, वहाँ भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ मध्यम बारिश का संभावना है। तो ये कल और परसों 2 दिन जारी रहेगा, उसके बाद फिर मामला धीरे धीरे थोड़ा कम होता चला जाएगा। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की घोषणा। 1 अक्टूबर से लागू होंगी नई दरें। 1 पेड़ माँ के नाम पौधरोपण अभियान में 26,47,00,000 पौधे रोपकर उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे। विश्व पर्यटन दिवस आज। झांसी में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज। बारिश से पड़ सकता है व्यवधान। और बारिश ने बदला मौसम का मिजाज।
उमस भरी गर्मी से मिली राहत, अगले दो दिन तक बना रह सकता है बारिश का सिलसिला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।